खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हुआ है। यूपी में 14 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आवास आयुक्त बनाए गए रणबीर प्रसाद, अजय चौहान बने लोक निर्माण विभाग के सचिव। 10 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए। यूपी में 14 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आपको अहम खबर बता रहे हैं, यूपी ब्यूरोक्रेसी में 14 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। अजय चौहान को लोक निर्माण विभाग के सचिव बनाया गया है। दस जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ये बड़ा बदलाव किया गया है। 14 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं संवाददाता जय त्रिपाठी। जी जय, बताएं, बड़ा फेरबदल, 10 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए, 14 आईएएस ऑफिसर्स के भी तबादले किए गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? जी, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से बड़ा ही स्थानांतरण किया गया है, जिसमें लखनऊ जिले अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ में 14 अफसरों के तबादले से लगातार ये चर्चाएं थी कि जल्दी से जल्दी इन लोगों के स्थानांतरण किए जाएंगे। इस तरीके से स्थानांतरण किए जाएंगे, ये एक बड़ी बात थी। बता दें कहीं कहीं जो वाराणसी के थे उनके कहीं बात किया जाए, अधिकारी थे वे अधिकारी अब दूसरी जगह पर किए गए हैं। देखने वाली बात जैसे अब हमारे पहली लेकिन इनके के बाद ये लोग जिलों में जहाँ पर पहुंचेंगे वहाँ पर किस तरीके से कार्य करेंगे, ये लिखने वाली बात होगी। एक जो होना था स्थानांतरण का 14 रजिस्टर है और आपको बता दें कि 10 जो है अधिकारी है। रणवीर प्रसाद को आवास का आयुक्त बनाया गया है, अजय निर्माण किया गया है। इसी फेर बदल किए गए, इन फेर बदलों के द्वारा कहीं ना कहीं अच्छी कार्य पहले होते हुए यही है। ठीक है जय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपको यूपी से अहम खबर बता रहे थे हम कि यूपी ब्यूरोक्रेसी में ये बड़ा बदलाव किया गया है। 14 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं और वहीं 10 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं।